पेट का जो बाहरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, वो ही ज्यादातर बढ़ रहा है। आपके किनारे के साइज जो है उनमें चर्बी नहीं चढ़। दोस्तों, आपके गर्भ में शिशु लड़का है या फिर लड़की, ये तो आपको डिलीवरी के बाद ही पता चलता है। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसी चीजें गर्भवती महिलाओं के साथ पूरी प्रेगनेंसी के दौरान होती रहती हैं, जिनसे आइडिया लगाया जा सकता है कि गर्भस्थ शिशु लड़का है या फिर लड़की है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगी कि आप कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनसे जान सकती हैं कि आप लड़की की माँ बनने वाली हैं या फिर लड़के की माँ बनने वाली हैं। आप भी अपनी प्रेगनेंसी में इन चीजों से नोटिस करिए कि आप गर्भस्थ शिशु में लड़के या फिर लड़की की माँ बनने जा रही हैं। हालांकि दोस्तों ये 100% सही तो नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक ये जो है आपको बता सकता है कि आपके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की। तो जानने के लिए हमारा ये वीडियो दोस्तों पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, स्वागत है आपका अपने इस चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड दोस्तों कोई क्वेश्चन क्वेरीज होंगी तो वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के भीतर आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अगर आपके कोई पर्सनल प्राइवेट मैसेजेस हैं उनके फास्ट रिप्लाई चाहती हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं, जिसका आईडी जस्ट वीडियो के आगे आपको फ्लैश हो रहा है। तो चलिए दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि लड़का लड़की में बिल्कुल भी भेद मत करिए। आपका जो भी शिशु आने वाला है वो आपका अपना है, आपका वंश है, आपका अंश है, और उसे आप अच्छे से स्वीकारिए। सबसे पहला जो संकेत दोस्तों वो देता है मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ दोस्तों, रिसर्च में भी ये पाया गया है कई बार कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा बीमार होती हैं या फिर जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जो कि बैक्टीरिया के संपर्क में आने से सूजन का शिकार हो जाती है, जिन्हें ज्यादा सूजन आती है, तो जो महिलाएं ज्यादातर बीमारी से घिरी रहती हैं, मॉर्निंग सिकनेस ज्यादातर महिलाओं को होती है, उन महिलाओं के गर्भ में शिशु जो होती है वो एक लड़की होती है। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही है, आप बिल्कुल एक्टिव फील करती हैं, तो इसके विपरीत आप एक लड़के की माँ बन सकती हैं। दूसरी चीज दोस्तों, इस दौरान अगर आपको मूड स्विंग्स अधिक होते हैं। देखिए दोस्तों, मूड स्विंग्स होते क्यों हैं? क्योंकि आपके शरीर में जो है इस दौरान हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं। इस दौरान जब एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बढ़ने लग जाता है तेजी से, तो ऐसे में मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में होते हैं। और एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने पर कहा जाता है कि गर्भस्थ शिशु जो होता है वो एक लड़की हो सकती है। तो ये मूड स्विंग्स जो होते हैं कहीं ना कहीं आप गर्भ में लड़की होने का संकेत देते हैं। और अगर आपको बिल्कुल मूड स्विंग्स नहीं है तो आप एक लड़के की माँ बन सकती हैं। तीसरी चीज, पेट का आकार। अगर दोस्तों आपका पेट का जो साइज है वो पेट के साथ साथ अगल बगल से भी बढ़ रहा है, आपकी चर्बी किनारों से बढ़ रही है, तो ऐसे में समझ लीजिए कि आपके गर्भ में आने वाला जो शिशु है वो एक लड़की है। और अगर आपका पेट का जो बाहरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, वो ही ज्यादातर बढ़ रहा है, आपके किनारे के साइज जो है उनमें चर्बी नहीं चढ़ रही है, और पीछे की ओर से आपको देखने पर लगता ही नहीं है कि कहीं भी आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, आपका पेट बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में ये जो है कहीं ना कहीं लड़के होने के संकेत देता है। चौथा दोस्तों, इस दौरान मीठा खाने का मन करना। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अटपटी और मीठी चीजें खाने की क्रेविंग होती है। अगर आपको भी मीठा खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो हो सकता है आपके गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो एक लड़की हो। हालांकि दोस्तों इसकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। ये चीजें जो है कहीं ना कहीं सर्वे के आधार पर या फिर कुछ रिसर्च होती है, कुछ महिलाओं पर रिसर्च की जाती है, उनके आधार पर ही इनके बारे में जानकारी दी जाती है। और अगर आपको इस दौरान नमकीन या फिर खट्टा खाने की क्रेविंग होती है बहुत ज्यादा, तो ऐसा माना जाता है कि आपका होने वाला जो शिशु है वो एक लड़का हो सकता है। पांचवा दोस्तों, इस दौरान अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हो रहे हैं या फिर बेजान हो रहे हैं, तो भी माना जाता है कि आपके घर में पल रहा जो शिशु है वो लड़की हो सकती है। क्योंकि इस दौरान कहा जाता है कि लड़कियां जो है कहीं ना कहीं अपनी माँ की सुंदरता लेने लग जाती है। तो अगर आपके बाल बेजान और तेलिया हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में पल रहा शिशु एक लड़की हो सकती है। वहीं अगर आपके बाल सुंदर, लंबे और चमकदार हो रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आपका होने वाला जो शिशु है वो एक लड़का हो सकता है। छठवीं और अंतिम चीज दोस्तों, इस दौरान स्ट्रेस। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस के चलते कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो रहा है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस हो रहा है, और ये स्ट्रेस जो है आपको काफी ज्यादा हाई लेवल में हो रहा होता है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है वो एक लड़की होती है। लेकिन अगर आपको इस दौरान स्ट्रेस नहीं हो रहा होता है, आप जो है काफी ज्यादा कूल रहती हैं, काम रहती हैं, तो ऐसे में माना जाता है आपके गर्भ में पल रहा जो शिशु होता है वो लड़का होता है। तो हालांकि दोस्तों इन चीजों की कहीं कोई पुष्टि नहीं है,
लेकिन फिर भी आप अपनी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए इस तरीके से अपनी बॉडी में और अपने चीज़ों में बदलाव देख सकते हैं और इनसे आइडिया लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करिए, नीचे रेड कलर का बटन है उसे ग्रे कर लीजिए, घंटी का निशान बगल में है उसे दबा के ऑल के साथ आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।